हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। फिर से और एक नया वीडियो लेके आ गए हम। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप पे तो आप सभी लोग व्हाट्सअप चलाते हो, लेकिन व्हाट्सअप की कुछ नया फीचर है आप नहीं जानते, तो उस फीचर के बारे में बात करेंगे। क्या फीचर नया है? तो ये सब फीचर आप इस्तेमाल करके बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। ये फीचर नया नया फीचर है। अगर आपकी व्हाट्सअप अपडेट नहीं है, सबसे पहले अपडेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो को लास्ट तक क्या क्या फीचर है, उसके बाद ये फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे वाले बटन दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और गाइस, और एक बात, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, साथ में नाइस बोल के कुछ भी लिख दो कमेंट पे, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख दो कमेंट पे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको व्हाट्सअप के कुछ नया फीचर। तो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सअप जो है वो खोल लिया। आपके व्हाट्सअप अपडेट नहीं है तो पहले उसको अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सीधा आपको जाना है इधर, ये सेटिंग पेज जाने के बाद इधर आपको देख रहे हैं चार्ट लिखा हुआ है। ये चार्ट पर क्लिक करके आपको इधर मिलेगा मूव चार्ट टू एंड्रॉयड। तो ऐसा करके आप इसमें स्टार्ट कर दोगे तो जितना भी आपकी चार्ट है इधर से आप भेज सकते हो एंड्रॉयड मोबाइल पे। और आपके पास आईफोन है तो वो एंड्रॉयड से आईफोन पे भेज सकते हो, यानी जितना भी व्हाट्सअप चार्ट है। पहले तो वो क्या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ऐप लेके उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी व्हाट्सअप की जो नया फीचर है उसमें नया अपडेट पे ये लुक दे दिया है व्हाट्सअप में। तो अपना व्हाट्सअप की चार्ट जो भी है चार्ट वोट सब कुछ आप एंड्रॉयड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड्रॉयड से आप अपने चार्ट को आईफोन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आईफोन से एंड्रॉयड से भी एंड्रॉयड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये हो गया एक नया फीचर, तो उसको करते हैं कैंसिल और अगला फीचर की बात करते हैं। अगला जो फीचर है गाइस, आप लोग जैसे कि वीडियो पहले छोड़ते थे तो वीडियो क्या होता था, फट जाता था वीडियो, ये इमेज कुछ भी छोड़ते थे व्हाट्सअप पे तो क्या होता है, उसका क्वालिटी जो है वो लो क्वालिटी का हो जाता था। तो पहले क्या करना पड़ता था, आपको डॉक्यूमेंट भेजने से क्या होता है फ़ोटो की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाता था, यानी अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो आता था डॉक्यूमेंट पे, और वीडियो भी भेजते थे डॉक्यूमेंट पे। तो अभी फ़िलहाल ये सब नहीं करना पड़ेगा, अभी शॉर्टकट एक तरीका आया। देखो जैसे से ये सेटिंग पे हो, अभी स्टोरेज एंड डेटा पे आप चला जाओगी तो इधर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ मिलेगा इधर मीडिया अपलोड क्वालिटी, इस पर क्लिक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है देखो ऑटो रिकमेंड, यानी उसकी जितना भी जो बनता है, यानी जैसे कि जैसे जाए ऐसे बन जाएगा क्वालिटी, तो उसके नीचे है आपको बेस्ट क्वालिटी। तो आपके पास डाटा है तो बेस्ट क्वालिटी पे आप भेज सकते हो, यानी नंबर वन क्वालिटी आता है उसमें। और ये है डाटा सेवर, यानी आपकी डाटा सेव करेगा तो उससे पहले ऑटो रिकमेंड पहले जैसे भेजता था फ़ोटो उससे थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा आएगा डाटा सेवर पे, यानी आपकी डाटा भी सेव होगा और आपकी फ़ोटो की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और बेस्ट क्वालिटी पे दोगे तो आपकी डाटा का जो जितना डाटा है वो ही लेगा और क्वालिटी जो है वो एकदम पूरा ज़बरदस्त क्वालिटी देगा। तो अगर आपके पास डाटा की कमी है तो आप डाटा सेवर यूज़ करें, सबसे बेहतर है। हम तो यूज़ करते हैं बेस्ट क्वालिटी, ये सही रहेगा। तो अगला जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हम ये व्हाट्सएप पे चला गए, ठीक है, व्हाट्सएप पे चला गए, इधर से हमें किसी को एक फ़ोटो भेजना है, यानी वो फ़ोटो एक बार के लिए भेजना है। पहले एक फ़ोटो भेजते थे वो बंदा सेव कर पाता था, तो अभी जो है मैंने एक बार के लिए उस फ़ोटो भेजना है उसको। तो इधर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे हम, किसी का भी एक फ़ोटो उठा लेंगे इधर से, जैसे कि ये फ़ोटो उठा लिया, इनका फ़ोटो उठा लिया। तो इधर ये देख रहे हो नीचे एक वन लिखा हुआ आएगा, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये फ़ोटो अगर मैं भेज दिया उनके पास तो वो बंदा क्या करेगा, एक बार ही देख पाएगा फ़ोटो। जैसे कि ये मोबाइल पे देखो आप कैसे देखता है, एक ही बार देख पाओगे फ़ोटो, उसके बाद से वो फ़ोटो नहीं चलेगा। सॉरी, उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन दे लेता हूँ। तो गाइस, वो फ़ोटो आ गया है इस मोबाइल पे, देख रहा हूँ जैसे ये एक फाइल की तरह बन के आ गया है वो फ़ोटो। ये फ़ोटो को मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड होने के बाद, उसको मैं ऐसे खोलता हूँ तो ओके, ये एक बार फ़ोटो खुला है। जैसे ही मैं इस फ़ोटो को मैं बैक कर देता हूँ, देखो ये फ़ोटो दूसरी बार ओपन नहीं हो रहा है। इधर लिखा हुआ है ओपन एड, यानी एक बार ओपन हो गया, इधर भी लिखा हुआ है ओपन एड, यानी ये बंदा जिसने भेजा है ये भी नहीं देख सकता है, और जिसने ये फ़ोटो देखा है रिसीव किया है वो भी फ़ोटो दूसरी बार नहीं देख सकते।
ये कुछ मज़ेदार फ्यूचर है गाइस, बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी फ़ोटो आप भेज सकते हो, ऐसे एक ही बार में किसी को एक बार फ़ोटो दिखाना है तो ऐसे भेज दो, वो देखने के बाद फिर से बंद हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ोटो ना तो मोबाइल पे सही होता है, आईफोन पे बेसिकली क्या होता है, कोई फ़ोटो सेंड किया, उसमें सेंड करने के बाद वो फ़ोटो क्या होता है, अपना आप सेव हो जाता है। जैसे कि सेव होने के बाद और इधर से आप डिलीट कर दोगी, जैसे कि ये डिलीट कर दे, डिलीट एवरीवन पे कर दोगी, फिर भी उधर जाके फ़ोटो ये आईफोन पे रह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फ़ोटो नहीं रहता है, फ़ोटो एक बार देखने के बाद फ़ोटो चला जाता है, दूसरी बार आप फ़ोटो नहीं देख सकते। तो ये भी एक कमाल का फ्यूचर है गाइस, बहुत ज़बरदस्त है व्हाट्सएप ने लाया है, तो बहुत ज़बरदस्त लगा ये फ्यूचर। तो अगला फ्यूचर देखते हैं क्या है। अगला जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर कुछ इस तरह के है, जो अपने वॉयस रिकॉर्डिंग है इसमें तो अभी नहीं आ रहा है, जैसे कि आप किसी के पास वॉयस भेज रहे हो, जैसे ये वॉयस मैंने भेज रहे हैं, तो जैसे ये वॉयस मैं अभी चालू कर दिया तो अभी लॉक हो गया, वॉयस चल रहा है, आपको जितना मिनट बात करना है बात करके उसको भेज सकते हो। तो ये गाइस होता है कि बेसिकली आप सुन नहीं पाते हो क्या भेज रहा हो, तो उसके लिए गाइस दूसरा एक ऑप्शन आया, लेकिन इसमें नहीं आया, इधर स्टॉप वाला एक ऑप्शन आता है, स्टॉप करके आप सुन सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम बैक पे चला जाएंगे, बैक पे चला जाने के बाद इधर देखो ये आ गया, इधर ये रिकॉर्डिंग, जैसे फिर आप मैं सुन के देख रहा हूँ, जैसे ये वॉइस पे अभी चालू कर दिया तो अभी लॉक हो गया, वॉइस चल रहा है, आपको जितना मिनट बात करना है तो कुछ इस तरीके से आप वॉइस को अपना सुन पाते हो, यानी सुनने के बाद आप सेंड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने सेंड कर दिया, तो सेंड करने के बाद क्या होता है, वो बंदा ऑनलाइन रहता है, अभी देखो मेरा उसमें इस वाला मोबाइल पे वॉइस चला है, फटाफट मैं फटाफट सुन लूँगा, तो इसमें कुछ ख़राब कुछ चला गया तो आपसे नहीं सुन पाओगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले सुन के बाद में वॉइस छोड़ सकते हो। तो कुछ ये फ्यूचर था इसके, और कुछ नहीं है, इतना ही। और कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट करूँगा। और गाइस चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे वाला बटन दबा देना, ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप एक पास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो पर।